21 साल का गौरव राय जो अपना जिंदगी एकदम मस्ती से जी रहा था, लेकिन यह मस्ती उसकी लाइफ से रिलेटेड लड़की ने कैसे छीन लिया, वो आज का इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आप सभी के लिए मैं फिर से एक और स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। एंड लिटरली गाइज, आज का ये स्टोरी ना गाइज बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्टोरी होने वाला है। ये कहानी है गौरव राय का, जो कि बिलाई में रहता था। उसका एज 21 साल था और वह अपना एजुकेशन शंकर आचार्य महाविद्यालय से कर रहा था और वह एक MBA का स्टूडेंट था। उसका लाइफ एकदम मस्त चल रहा था, घर गाड़ी सब कुछ था, मतलब लाइफ एकदम टनाटन चल रहा था। इवन उसका एक और नया घर भी बन रहा था और उसका भैया का शादी भी होने वाला था, मतलब लाइफ एकदम हैप्पीनेस वाला चल रहा था। उसको देख के नहीं लगता था कि वो कुछ चीज़ों के लिए दुखी है, मतलब लाइफ तब तक मस्त चल रहा था जब तक उसका लाइफ में ये हुमा नाम की लड़की नहीं आई थी। हुमा ये जो लड़की है ना गाइस, ये लड़की गौरव के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में था। जिसे हर किसी का एक गंदा आदत रहता है ना, कोई किसी गंदे चीज़ों पर एडिक्टेड रहते हैं, वैसा ही हुमा भी एक गंदा चीज़ों पर एडिक्ट थी। शी वॉज एडिक्टेड इन, और गौरव को अच्छे से पता था कि हुमा का एक गंदी आदत है, बट फिर भी गौरव उसके साथ रिलेशनशिप में था क्योंकि गौरव कुछ ज़्यादा ही ट्रूली लव करता था हुमा को। अब जस्ट मेरा इस बात से समझो कि गौरव ने बताया कि ना, गौरव ने 10 से 12 बार हुमा को रंगे हाथ चीट करते हुए पकड़ा था। इवन काफ़ी बार तो गौरव ने किसी दूसरे लड़कों का साथ भी हुमा को फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हुए देखा, बट स्टिल गौरव यही बोलता था कि छोड़ जाने दे, इंसान है और इंसान से गलतियां होता है, क्योंकि गौरव उस टाइम ट्रूली लव करता था। गौरव ने काफ़ी बार हुमा को समझाया भी है, बट स्टिल हुमा वही बोलती थी ठीक है नहीं करूँगा फिर से, बट स्टिल सेम चीज़ें वो रिपीट करती थी। बट हुमा कहाँ ही समझने वाली थी, हुमा तो एडिक्टेड थी ना, उसको तो बस वही चाहिए था। हुमा इतना एडिक्टेड थी कि वो अलग अलग लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जाया करती थी। और मरते टाइम गौरव ने यह भी बताया कि अगर आप मुझे विश्वास नहीं करते हो तो आप हुमा का क्रोमिस्ट्री चेक कर सकते हो। हुमा इतना एडिक्टेड थी कि वो हर दिन 20 से 30 पोर्न वीडियोस देखा करती थी। हुमा इतना ज़्यादा एडिक्टेड थी कि वो इसी एडिक्शन के कारण वो अलग अलग लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जाया करती थी, बट हर बारी गौरव उसको माफ़ कर देता था, बोलता था कि छोड़ जाने दे, गलती हो गई है, क्योंकि गौरव ट्रूली लव करता था। गौरव ने यह भी बताया कि हुमा को एक बार एक थिएटर में एक सुकून नाम के लड़के के साथ भी पकड़ा था, और उसी कॉलेज का एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। गौरव ने बताया हुमा आर्यन के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में थी और हुमा काफ़ी बार आर्यन का रूम पर भी जाती थी, और जब गौरव को ये बात पता चला तो गौरव ने 2 थप्पड़ भी मारा था हुमा को। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी गौरव इसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। और एक दिन ऐसा है, गौरव और हुमा कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी गौरव अपना कार को पेट्रोल पंप के सामने में रोकता है पेट्रोल भरने के लिए। उसी वक्त हुमा का भाई हुमा को गौरव के साथ देख लेते हैं, और फिर जब हुमा का पेरेंट्स हुमा से पूछते हैं तो हुमा कहती है हमारा तो लगभग 4 महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका था, और साथ में हुमा कहती है गौरव ने तो मुझे डरा धमका कर जबरदस्ती बुलाया है, और पूरा एलिगेशन गौरव का ऊपर डाल देता है। मतलब आई होप आप लोग समझ रहे हो कि इस सिचुएशन पर हुमा को अपना बॉयफ्रेंड के साइड स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, हुमा ने तो पूरा एलिगेशन गौरव का ऊपर डाल दिया एंड गौरव बेचारा को फंसा दिया। हुमा की एक बहन थी और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड मजहर, ये तीनों लोग मिल के गौरव को हद से ज़्यादा टॉर्चर किया था, और 25 तारीख को यह कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल तक हो चुका था, क्योंकि हुमा की बहन की बॉयफ्रेंड मजहर और गौरव का बीच में कुछ ज़्यादा ही हद पर लड़ाई हो चुका था, जिसके कारण हुमा की बहन का बॉयफ्रेंड मजहर ने थप्पड़ भी मार दिया था गौरव को, और मजहर गौरव को धमकी देता है कि तुमको जान से मार डालूंगा। और ये लड़ाई जब एक्सट्रीम लेवल तक हो चुका था, यानी गौरव के ऊपर काफ़ी सारा फेक एलिगेशन लगा दिया था, तो अब गौरव के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और इसी के कारण गौरव ने सुसाइड कर लिया था। 5:50 के आसपास गौरव की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिलता है, और सुसाइड करने से पहले गौरव ने एक वीडियो भी बनाया था ये सभी चीज़ों को बताते हुए, और ये वीडियो को गौरव ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। मम्मी पापा सबको बोल रहा हूँ सॉरी, मम्मी पापा मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं उठाना था, मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पैसा सब कुछ था हम लोग के पास, लेकिन एक लड़की ने आगे मुझे इतना फेक एलिगेशन लगाया कि मजबूर हो गया। हुमा का ये पहली बार नहीं था, इसने मुझे पहले भी बहुत बार चीट किया था, 10-12 बार और चीट किया था, फिर भी मैं इसे माफ कर देता था कि नहीं छोड़ जान दे, नहीं छोड़ जान दे। अगर मैं एक चीज बोलूं तो हुमा टोटली एडिक्ट है, अगर आप उसकी ना क्रोम की हिस्ट्री तक देखोगे ना तो आप डर जाओगे, वो डेली कम से कम 20-30 देखती है, उस टाइप की हो चुकी है कि मतलब मैं अपनी जान से भी इन 3 लोगों के चक्कर में दे रहा हूँ। हुमा, उसकी बहन और उसका जीजा, ये तीनों ने मुझे मिलके इतना हरेस किया कि मैं सुसाइड करने पे गया, मेरी एक बात नहीं सुनी। और जाते टाइम, मरते टाइम तो मैं गलत साबित नहीं हो रहा हूँ यार, तो जो बोल के जा रहा हूँ सच बोल के जा रहा हूँ, तो सबसे विनती है प्लीज 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 इस पे एक्शन लेना जरूर कुछ। और उस वीडियो पर गौरव ने बताया उसका डेथ का रीजन इन तीनों लोग है, हुमा, हुमा का बहन और हुमा का बहन का बॉयफ्रेंड।
और उसी के बाद गौरव ने अपील किया है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। एंड इसी की वजह से अभी बिलाई पर काफी जरा प्रोटेस्ट चल रहा है इस चीज को लेकर। हम लोगों को प्रशासन से अच्छी कार्रवाई हमें नहीं मिल पाई, इस वजह से हम लोगों को कैंडल मार्ग निकालना पड़ गया। केवल तीन लोग नहीं है, और भी इसमें अधिक लोग है जिसने उस पे हाथ उठाया था, चाकू लेके गए थे, इसमें तीन से बहुत अधिक लोग है, परंतु उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पकड़े थे, अभी कोई लड़की होती गौरव की जगह, कोई लड़की सुसाइड करी होती अभी तुरंत, जहाँ गौरव को 6 घंटा लगा है वहाँ लड़कियों को 6 घंटा नहीं लगता, तुरंत एक्शन होता, तुरंत उसको घर से उठाते और तुरंत उसको केस हो जाता। मैं एक लड़की हूँ, फिर भी मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कोई लड़का अगर किसी लड़की को टच भी नहीं किया रहेगा, और कोई लड़की अगर अपने कपड़े खुद फाड़कर पुलिस स्टेशन जाएगी और किसी लड़के के नाम पे कंप्लेंट लिखाएगी तो लड़का तुरंत गिरफ्तार हो जाता है। बट यहाँ पे उनको तो जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो एक बस लड़का है, क्यों लड़के को जस्टिस नहीं मिल सकता है क्या? उसके साथ ये चीज़ सेम होनी चाहिए, या तो फांसी हो या तो उम्र कैद की सजा हो, लेकिन ऐसी छोटी मोटी धाराएं लगा के अंदर कर दियो, क्या वो लोग 2-4-6 महीने में छूट जाएंगे? मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जमाना कितना कलयुग है। उस लड़की को अपना बॉयफ्रेंड की साइड स्टैंड लेना चाहिए अपना बैड सिचुएशन पर, लेकिन उस लड़की ने नहीं लिया, उसने उल्टा फंसाया था उस लड़के को। सो एट द एंड आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ आप सभी लोग गौरव के लिए प्रे करना। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। फेमस डायलॉग है ना, लव इज ब्लाइंड, बट आप रियली में ब्लाइंड मत हो जाना, कि क्या पता अगला गौरव आप भी हो सकते हो। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा लड़कियाँ हुमा जैसा होते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि फीलिंग का चक्कर में हुमा जैसे लड़कियों पे डूब मत जाना। एंड ऑल्सो गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गाइज प्लीज़ आप सभी लोग ये वीडियो को शेयर करना, ताकि सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे एंड सारे लोगों को पता चले इस कहानी के बारे में। सो गाइज, अभी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।